बड़ी खबर का रुख करेंगे। आम आदमी को फिर से एक बार झटका लगा है महंगाई का, क्योंकि इस बार फिर से कीमतें बढ़ गई हैं। दूध के बाद अब प्याज के दामों में इजाफा हुआ है। प्याज का खुदरा मूल्य 40 रुपए प्रति किलो के पार 50 रुपए प्रति किलो तक जा सकते हैं। प्याज के दाम, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 60 से 80% की बढ़ोतरी, तो महंगाई में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दो दिन पहले यहाँ पर अमूल ने यहाँ रेट बढ़ाया, 2 से 3 रुपए तक की ये वृद्धि की गई, और अब एक बार फिर से वृद्धि की गई है प्याज के दामों में। तो इस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। आम आदमी की जो जेब है उस पर डाका डालने की तैयारी, वो भी त्योहारी सीजन में। दूध के बाद अब प्याज के दामों में ये इजाफा, और 50 रुपए प्रति किलो तक जा सकते हैं प्याज के दाम। त्योहारी सीजन, जहां एक तरफ लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। और हमारी सहयोगी मनीषा जुड़ गई है। मनीषा, किस तरीके से आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जहां एक तरफ दिवाली आने वाली है, सब ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी छूट मिलेगी, थोड़ी सी हमारी जो जेब है वो अब हल्की नहीं होगी, लेकिन यहाँ जिस तरीके से बार बार आम आदमी की जेब पर डाका डालने की ये तैयारी, पहले रेट बढ़ते हैं दूध के और अब सब्जियों की बारी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए दूध के रेट अभी कुछ दिन पहले ही बढ़े थे, लेकिन अब फिर से प्याज के रेट ने लोगों को रुला दिया है। इस वक्त मैं प्याज के गोदाम में ही खड़ी हूँ, और यहाँ पर जो है व्यापारियों से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आने वाले समय में प्याज के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि गोदामों में स्टॉक जो है प्याज का वो खत्म हो रहा है, स्टॉक ज़्यादा नहीं बचा है, और स्टॉक जब खत्म हो जाएगा अक्टूबर के एंड तक, तो फिर प्याज के जो रेट है वो 50 रुपये प्रति किलो तक बढ़ेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ स्टॉक है उसी से ही जो आपूर्ति करनी पड़ेगी मार्केट्स में। और जो मार्केट्स में खुदरा रेट है ना प्याज का, वो 40 रुपये अभी बताया जा रहा है, और जो खुदरा बाजार रेट है वो 15 से 25 रुपए किलोग्राम बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो दाम है ये थोक रेट में आपको बता रही हूँ, जो कि गोदामों से व्यापारी लेकर जाते हैं, वो 15 से 25 रुपए किलो में लेकर जा रहे हैं प्याज, लेकिन जब वो मार्केट में जा रहा है तो मार्केट में वो 30 से 40 किलो में मिल रहा है। और उसके बाद भी देखिए अक्टूबर के अंत तक ये जो रेट है 50 रुपए प्रति किलो हो जाएगा, तो इस तरीके से जो आम आदमी की जेब है उस पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है प्याज का रेट अगर इस तरीके से ही बढ़ता रहेगा तो। बिल्कुल मनीषा, आम आदमी को ये यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि त्योहारी सीजन में अब आपकी जेब पर और ज्यादा असर पड़ने वाला है, और ज्यादा आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दूध के बाद अब प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका तमाम जानकारी के लिए।